नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है। भीषण गर्मी और इस गर्मी में लोग तब परेशान होते हैं जब सांप आते ही कुछ सांप ऐसा जो घर में घुसने के बाद लोग उसे पहचान नहीं पाते। अगर वो सांप काट ले लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कुछ आज ऐसे दुर्लभ सांप बताएंगे जो आपके घर में कभी किसी को काट ले या घुस जाए तो उस समय में आप उसके बारे में ना जानते हैं, ना कभी उस सांप को देखे हैं। कोई कोई सांप तो ऐसा है, कोई बहुत सारा स्नेक शबर भी उसको नहीं पहचानते, हमारे पास फोटो भेजते हैं, बपैदा ये सांप कौन सा सांप है। तो दोस्तों, सबसे पहले उल्फ स्नेक आप हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा ही उल्फ स्नेक है भारत में, ये कभी कभी देखा जाता है, दुर्लभ ये है, लेकिन ये उड़ीसा में, बंगाल, वेस्ट बंगाल कुछ एरिया और ये भारत में कहीं की जगह में पाया जाता है। ये सांप का नाम है ग्रीन स्पॉटेड उल्फ स्नेक, येलो और ग्रीन मिक्स, और जिसमें स्पॉट रहता है, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ग्रीन स्पॉटेड वुल्फ्स ने, ये सांप जो है पूरी तरह नॉन वेनस, बिना जहरीला सांप है। ये जब काट रहता है किसी को लोग डर जाते हैं, इसलिए आज के बाद जान लीजिए ये सांप जो है वुल्फ स्नेक प्रजाति का है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कुछ सांप। ये सांप तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहीं के एरिया में ऐसा इतना बड़ा डरावना पैदा करता है कि लोग देखते ही सोचते हैं बहुत जहरीला, क्योंकि बहुत देखने में वो डरावना होता है। ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, इसका सिर ब्लैक होता है और बॉडी में कहें कि ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का और ब्लैक छीटा छीटा रहता है, स्पॉटेड रहता है। तो ये सांप भी लोग सोचते हैं कि जहरीला है, लेकिन ये सांप भी पूरी तरह निर्विष, बिना जहरीला है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं डोमडिल्स ब्लैक हेडेड स्नेक। ये सांप एक सांप के साथ मैच करता है, ये ब्लैक हेडेड कोरल स्नेक उसके साथ ये मैच करता है, लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी तरह बिना जहरीला डोमडिल्स ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। ये सांप ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में, यूपी में, बहुत सारे एरिया में ये देखा जाता है, उत्तराखंड में। तो ये सांप जब ये किसी का घर में घुस जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि सांप को क्या करें, या किसी को काट ले तो क्या होगा, या काटने के बाद उसमें पैनिक हो जाता है। ये सांप जान लीजिए पूरी तरह ये नॉन वेनमस, पूरी तरह बिना जहरीला सांप। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसा सांप, ये पानी के आसपास रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। ये सांप देखने में डरावना, दूसरे सांप जहरीले सांप जैसा है, जैसे कि ग्रीन पीट वाइपर जैसा लगता है। ये है आपका ग्रीन चेकरेट किलबैक, ग्रीन चेकरेट किलबैक। ये इसका जो फेस का है, कभी कभी ये हल्का स्मूथ, ये आपका फुकनो जैसा लगता है इसका फेस टो, लेकिन ये ग्रीन और इसमें हल्का ब्लैक स्पॉट रहता है, येलो मिक्स रहता है। ये अक्सर पानी के आसपास पाया जाता है, हमारे झारखंड में भी ये देखा गया है और ये बहुत सारे एरिया में पाया जाता है, ये बंगाल में भी पाया गया है। तो ये सांप पूरी तरह निर्विष, पूरा बिना जहरीला, ये चेकरेट किलबैक जिसको धोन सांप बोलते हैं उसी की प्रजाति का है। इसके बाद और एक सांप है, ये भारत में, बंगाल में, खास करके आसाम और जलपाईगुड़ी, बंगाल में आपका दार्जिलिंग साइड में ये देखा जाता है, खास करके सिक्किम में भी ये देखा गया। ये ग्रीन रेड स्नेक, ग्रीन रेड स्नेक, ये ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में और ठंडा एरिया साइड में ज़्यादा पाया जाता है। इसका बॉडी तीन पार्ट अलग अलग है, फेस का कुछ हिस्सा येलो, फिर कुछ हिस्सा ग्रीन और नीचे का पूरा रेड स्नेक जैसा लगता है, इसको हम लोग धामिन बोलते हैं। आप दोस्तों देख लीजिए, ये सांप भी पूरी तरह निर्विष, बिना जहरीला सांप है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम दोस्तों एक सांप ऐसा, ये बहुत जगह में पाया जाता है भारत में, लेकिन ये भी दुर्लभ है। तो दोस्तों, ये भारत में बहुत रेयर है, ये बांग्लादेश और बांग्लादेश का बंगाल का बॉर्डर में ही कुछ जगह में पाया गया है ये सांप, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत पहले पाया गया था। ये रेड कुकरी स्नेक, रेड कुकरी स्नेक, ये कॉरेट स्नेक जैसा लगता है देखने में, ये नॉन वेनमस से, बिना जहरीला होता है, लेकिन ये दुर्लभ है। अभी अगले साल ये बंगाल में पाया गया था। ये तो एक स्नेक सबर हमें फोटो भेजे थे, हम देखे थे, लेकिन ये सांप कभी कभी देखने में आप पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। ये भी पूरी तरह नॉन वेनमस, बिना जहरीला सांप। उसके साथ बात करने वाले दोस्तों, ये हाउस स्मूथ स्नेक, हाउस स्मूथ, ये भी भारत में पाया था, लेकिन ये भी पूरी तरह बिना जहरीला सांप, नॉन वेनमस सांप है। दोस्तों, आप बात करने वाले हैं एक ऐसा सांप है जो सांप देखने तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन ये सांप डरने की कोई बात नहीं, ये पूरा बिना जहरीला होता है, जिसका नाम है हुक नो स्नेक। ये बहुत एग्रेसिव जैसा आपको करता है आपके सामने में, लेकिन ये सांप जहरीला नहीं होता, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्नामेंटल स्नेक, ये भी भारत में, बंगाल में कुछ एरिया में पाया जाता है, हर जगह में नहीं, वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया
ऐसे कि खास करके ये बांकुड़ा जिला में एक स्पेशल एक जंगल होता है, एक जंगल है जयपुर जंगल, उस जंगल में ज़्यादा पाया जाता है। ये सांप का नाम है ओर्नामेंटल स्नेक, जिसको बंगाल में इसको कान लगिन बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में तक्षक नाम भी कहा जाता है। ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है इसको हाथ से ही पेंट किया गया है। ओर्नामेंटल स्नेक, गहना पहना हुआ सांप, ऐसा लगे कि वो गहना पहना है। इसको नाम है तक्षक नाग, हिंदी में कहा जाता है, ये काल्पनिक नाम है तक्षक नाग, ये नाम नहीं है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है ओर्नामेंटल स्नेक है, और इसको बंगाल में कालनागिन कहा जाता है। देखने में डरावना लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन ये पूरी तरह ये जहरीला नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सांप, ये सांप कभी कभी पाया जाता है। ये सांप तो है बहुत ही जहरीला सांप है, लेकिन उसको कभी कभी लोग इसको ये समझते हैं कि ये बिना जहरीला है। ये सांप इंडियन कॉमन करीत का ही प्रजाति का ही है, जिसको एल्बिनो है, मतलब चमड़े का स्किन का एक बीमारी है, जो पूरी तरह व्हाइट हो जाता है और आँख इसका लाल लगता है देखने में। इसको होता है एल्बिनो कॉमन करैत। ये उड़ीसा में बहुत बार पाया गया है, महाराष्ट्र में भी पाया गया है। तो ये एल्बिनो करैत कोई अलग नहीं है, ये करैत का ही प्रजाति है, करैत ही है, ये इंडियन कॉमन करैत है, लेकिन इसका स्किन डिजीज के कारण जो है ये एल्बिनो, जिस तरह हमारा इंसान भी बहुत सारे इंसान का बॉडी में कहीं व्हाइट नहीं हो जाता है, व्हाइटिंग, और फेस में भी हो जाता है, फिर कोई कोई आदमी पूरा बॉडी हो जाता है, इसी तरह ये सांप भी इसी तरह है। ये सांप बहुत दुर्लभ है, कभी कभी अक्सर पाया जाता है, लेकिन ये सांप जहर में कम नहीं होता, बहुत जहरीला होता है दोस्तों। इसलिए कभी ये देखें तो दोस्तों तुरंत हट जाइए यहाँ से, क्योंकि ये कॉमन करैत है, और इसका फेस अंदर में, मुंह का अंदर में पिंक, और जीभ जो है इसका पिंक रहेगा। दोस्तों आप हम बात करने वाले एक ऐसा सांप जो हमारे घर में अक्सर देखा जाता है आसपास में, और कभी कभी ये काटते ही देखा गया, लोग सोचते हैं कि काटने के बाद इसमें जहर बॉडी में इंजेक्ट होता है और बहुत जहरीला है। इसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास है, ये काटने के बाद लोग बचते नहीं है, कुछ है तो छोटा सा सांप है, एक बित्ता सांप है और बहुत चमकीला होता है, लेकिन इसको पूरे भारत में इसको लोग बहुत तरह तरह इसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं ये बहुत जहरीला है। ये सांप का नाम है वार्म स्नेक। ये वार्म स्नेक हमारे बाथरूम में कभी कभी घर के बाहर में ये देखा जाता है। ये केचुआ की जैसा होता है, लेकिन इसका बॉडी जो है आपका चिकना और बहुत कलर, कभी कभी ये सतरंगी टाइप का लगता है आपको देखने में। तो दोस्तों ये सांप जो है इसका अंडा दिखा रही है, अंडा इसी तरह झिल्लीदार अंडा रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये कहीं पर भी आप मिट्टी कोड़ते हुए अगर देख ले तो इसको डरे नहीं, ये जो है पूरी तरह नॉर्मल इको फ्रेंडली, ये हमें जो है बहुत ये नेचर का सांप है। कीड़ा मकोड़ा बहुत सारा मिट्टी को खा के हमें उर्वर बनाता है मिट्टी। दोस्तों ये सांप जो है कभी इसको जहरीला ना सोचे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम बात करेंगे भारत में दो ऐसा सांप, देखने में एक जैसा है लेकिन एक जहरीला एक बिना जहरीला, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।